नमस्कार, मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत पर हमारा खास शो बात मुक्ता की। हम इस शो में उन्हीं बातों के बारे में बात करते हैं जिसका सीधा मतलब होता है आपसे और हमसे। तो बात मुक्ता की में आज बेहद अहम पहलू पर हम बात करेंगे स्किन डोनेशन की। बहुत सारे सुनने वालों के लिए ये शब्द नया होगा, क्योंकि आपने ऑर्गन डोनेशन के बारे में तो सुना होगा, लेकिन स्किन डोनेशन या स्किन बैंक के बारे में शायद ही आप जानते होंगे। स्किन डोनेशन ऑर्गन डोनेशन की तरह मरने के बाद की जा सकती है। स्किन डोनेशन का फायदा गंभीर रूप से जलने वाले मरीजों को मिलता है और वो उनकी जान बचाने में बेहद अहम भूमिका निभाता है। क्या है स्किन डोनेशन, कैसे स्किन बैंक में स्किन को संभाल कर रखा जाता है और भारत में इसको लेकर कितनी अवेयरनेस है, इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुनील केशवानी, जो कि जाने माने सर्जन है। साथ ही हमारे साथ मौजूद है संतोष राठौर, जो कि एक मरीज के रिश्तेदार हैं। हम उनसे चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। क्या आपको पता है, जैसे ऑर्गन डोनेशन होता है वैसे ही स्किन डोनेशन भी किया जाता है। स्किन डोनेशन किसी भी मरीज के लिए इतना जरूरी है कि इसकी मदद से लोगों की जान बचाई जा सकती है। स्किन डोनेशन ज्यादातर जलने के मामलों में किया जाता है, जब कोई गंभीर रूप से जल जाता है। जले हुए व्यक्ति की स्किन जल जाने की वजह से उस पर से सुरक्षा कवच हट जाता है और इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे जले हुए मरीजों के लिए स्किन डोनेशन की जाती है। स्किन डोनेशन कोई भी करीबी रिश्तेदार कर सकता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि स्किन डोनेशन के लिए पूरे देश में 27 स्किन बैंक हैं, जहां पर स्किन डोनेशन से आने वाली स्किन को प्रिजर्व किया जाता है और इसे 5 साल तक प्रिजर्व रख सकते हैं। हालांकि ज्यादातर स्किन बैंक महाराष्ट्र और दक्षिण राज्यों में है। उत्तर भारत में कुछ समय पहले स्किन बैंक सफदरगंज अस्पताल के बर्न वार्ड में खोला गया है। देश भर में हर साल 10 लाख लोग हल्के और गंभीर रूप से जलने के शिकार होते हैं और कई लोगों को स्किन नहीं मिल पाने की वजह से वो अपनी जान भी गंवा देते हैं। इसलिए ऑर्गन डोनेशन की तरह ही आप स्किन डोनेशन करके न केवल जान बचा सकते हैं, बल्कि जल जाने की वजह से शरीर में आई विकृतियों की वजह से होने वाले मानसिक तनाव से भी किसी पीड़ित को बचाया जा सकता है। डॉक्टर सुनील और संतोष जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, आज हम लोग बहुत ही एक अहम मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं, और जैसा कि आप भी जानते होंगे कि अभी लोगों में इसको लेकर अवेयरनेस बहुत कम है। शायद कम ही लोग जानते होंगे कि स्किन डोनेशन भी की जाती है। तो आज आपके माध्यम से हम ये अवेयरनेस लोगों तक फैलाने की कोशिश करना चाहते हैं, और मैं चाहूंगी आप इसको अच्छे से इलैबोरेट ढंग से लोगों को बताइए कि दरअसल सबसे पहला सवाल ये है कि क्या है ये स्किन डोनेशन। स्किन डोनेशन, जैसे ब्लड डोनेशन होता है, लोग ब्लड डोनेट करते हैं दूसरों की मदद के लिए, किसी को ब्लड की जरूरत है या किसी को आईसाइट बराबर नहीं है तो आई डोनेशन होता है। बट उसी तरह स्किन डोनेशन भी एक डोनेशन है जो मरने के पश्चात की जाती है, विद इन 6 आवर्स आफ्टर डेथ, 6 घंटे के बाद मरने के बाद ये स्किन डोनेट की जा सकती है। और वो स्किन का ऊपरी लेयर निकाला जाता है, स्किन की अगर 8 लेयर है, ओनली द फर्स्ट लेयर इज रिमूव्ड, 8 लेयर वहीं पे छोड़ देते हैं। तो ये स्किन जो है, जो बर्न पेशेंट्स होते हैं उनकी जान बचाने में काम आती है। सर, तो आपसे ये जानना चाहेंगे डिग्री ऑफ बर्न कितने प्रतिशत बर्न तक लोगों को नॉर्मल जिंदगी दी जा सकती है स्किन ग्राफ्टिंग के जरिए। बर्न्स के बेसिकली 3 डिग्री होते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। जो फर्स्ट डिग्री बर्न है वो अपने आप ही पट्टियां लगाने से, ड्रेसिंग करने से ठीक हो जाता है। जो सेकंड डिग्री बर्न है और जो थर्ड डिग्री बर्न है, उसके लिए स्किन ग्राफ्टिंग की जरूरत पड़ती है। तो नॉर्मली जो पेशेंट 20 या 30% जल जाता है, तो उसके पास 70% बॉडी सरफेस एरिया रिमेनिंग है जहां से स्किन ली जा सकती है। बट अगर पेशेंट 70-80% बर्न हो चुका है, तो उसके पास सिर्फ 20-30% स्किन अनबर्न्ड है, जो यहाँ से निकाल के कवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस कंडीशन में पेशेंट को बाहरी स्किन की जरूरत पड़ती है, तब वो स्किन बैंक से स्किन ली जाती है और वो स्किन जाके उसकी जान बचा सकती है। सर, क्योंकि पहले आमतौर पर माना जाता था कि अगर 40-50% भी बर्न हो गया है तो किसी को भी नई जिंदगी देना काफी मुश्किल है, लेकिन अब ये जो नई टेक्निक है, स्किन ग्राफ्टिंग है, उसके जरिए ये चीजें अब थोड़ी आसान होती जा रही हैं। एब्सोल्युटली, अभी पहले क्या था कि 20-30% बर्न को भी बचाना बहुत ही मुश्किल था,
बट विद तभी रिसेंट एडवांसेस जो बर्न्स मैनेजमेंट में हुए हैं, जो स्किन बैंक्स आई हैं, स्किन रिजनरेशन लेबोरेटरीज आई हैं, आर्टिफिशियल स्किन आ गया है इंडिया में, इसके बदौलत अप टू 80% बर्न बचा सकते हैं। 70% तक तो बच ही जाते हैं, बट 70% और 80% के बीच भी काफी लोग बचाने की कोशिश हम कर लेते हैं। आउट ऑफ 10 2 और 3 70-80 भी बच जाते हैं। अबाउट 80% बचाना इंडिया में अभी तक मुश्किल है जी। तो सर आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि इस बारे में मैं चाहती हूँ कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुँचे, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे ये सरल हो गया, कितनी बार आपको सर्जरी करनी पड़ती है एक आम आदमी को नॉर्मल जिंदगी देने के लिए? वो परसेंटेज ऑफ बॉडी सर्फेस एरिया बर्न परसेंटेज पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट को 20% बर्न है तो नॉर्मली वो अबाउट 2 और 3 वीक्स में ठीक हो जाते हैं, बट अगर इट इज 70 और 80% बर्न तो पेशेंट को मल्टीपल सर्जरीज लगते हैं, एवरी वीक एवरी 2 वीक्स में एक सर्जरी की जाती है, एंड 70-80% बर्न विल रिक्वायर अबाउट 5 और 6 मेजर सर्जरीज टू गेट आउट ऑफ इट। और ये 70-80% बर्न 3 से 4 महीने भी लग जाते हैं अस्पताल में टू गेट हिम ऑल राइट एंड ओके, एंड ये वहां पे खत्म नहीं होता, ये शुरुआत होती है उसकी न्यू लाइफ की, और उसको 2 साल लग जाते हैं नॉर्मल होने में। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं पूरी तरह से, लेकिन जो लोग जानते हैं, हमने उनसे बातचीत भी की थी, तो एक ये भी प्रॉब्लम है कि अभी भी लीगल और इलीगल के बीच में अटका हुआ है, तो मैं चाहूंगी आप बताइए कि कैसे लीगल है और कैसे इलीगल है, और दूसरा आपके हिसाब से इसे पूरी तरह से लीगल करना चाहिए या नहीं, कि क्योंकि जैसे हम और ऑर्गन्स डोनेट करते हैं तो स्किन डोनेशन भी एक नॉर्मल डोनेशन की तर्ज पर देखा जाना चाहिए। एब्सोल्युटली, क्या है कि देयर इज अ ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट है जिसको होटा कहते हैं। इस ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट के तहत जो स्किन और कॉर्निया है इनको ऑर्गन्स नहीं कहते, इनको टिश्यूज कहते हैं। सो दिस कम्स अंडर टिश्यू डोनेशन। तो ये जो स्किन है इट हैज टू बी हार्वेस्टेड आफ्टर डेथ 6 से 10 घंटे के अंदर इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली 6 आवर्स के अंदर स्किन ली जानी चाहिए, तब तक उसके स्किन सेल्स लिविंग होते हैं, वायबल होते हैं। बट अगर 6 घंटे से ज्यादा के बाद टाइम लेट भी लेना है तो बॉडी को अगर कूल किया जाए, चादर डाली जाए, ऊपर से आइस रखी जाए, फैन या एसी ऑन किया जाए, या बॉडी को कोल्ड स्टोरेज या मॉर्चरी में रखा जाए, अप टू 12 आवर्स ये स्किन हार्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप स्किन हार्वेस्ट करते हो तो ब्लीडिंग होता होगा। ब्लीडिंग व्लीडिंग कुछ नहीं होता, बिकॉज वंस यू डाई एक बार भी गुजर जाता है तो स्किन ब्लड कोगुलेट हो जाते हैं तो ब्लीडिंग नहीं होता है। दूसरी उन लोगों के मन में गलत धारणा है कि जब स्किन निकालते हैं तो बॉडी बदसूरत हो जाती है। बॉडी बदसूरत नहीं होती, बिकॉज ये स्किन सिर्फ आईज लेग्स और बैक से ली जाती है, ये पार्ट्स को कवर किया जाता है और बॉडी को फिर जलाया दफनाया जाता है। तो ये बहुत ईजी है और बहुत सरल है, और हमारी जो टीम है स्किन बैंक टीम है, स्किन बैंक से जब कॉल आता है किसी के घर पे जिसकी डेथ हो या हॉस्पिटल में डेथ हो, हमारी टीम घर पे भी जाके स्किन हार्वेस्ट करती है, पेशेंट को हॉस्पिटल नहीं लाना पड़ता है। और अगर पेशेंट आईसीयू में हॉस्पिटल के आईसीयू में गुजर गया है तो हमारी टीम हॉस्पिटल के आईसीयू में जाके स्किन हार्वेस्ट करती है। ऑल्सो जब भी दूसरे ऑर्गन्स का डोनेशन होता है, जैसे किडनी का डोनेशन हो रहा है या लिवर या लंग या हार्ट का डोनेशन हो रहा है, तो हार्ट और लंग के डोनेशन के पश्चात जिसको ऑर्गन रिट्रीवल प्रोग्राम कहते हैं, उसके बाद स्किन भी हार्वेस्ट की जाती है हॉस्पिटल्स में। तो स्किन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, ये सिर्फ बर्न्स में ही नहीं, पेशेंट जिसको डायबिटीज के वुंड्स हैं, जिसको पैरालिसिस के बाद वुंड्स हो जाते हैं हाथ पैर लेग्स में, जिनको बैक पे लेटने से ओल्ड पीपल को जो बेड सोर्स होते हैं, जिसको कार एक्सीडेंट्स में स्किन निकल आती है, तो इन कंडीशंस में भी ये स्किन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और उनकी जान लोगों की जान बच सकती है। ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई, क्योंकि जनरली लोगों में यही अप्रिहेंशन होते हैं कि अगर हमने ये स्किन डोनेट किया तो बॉडी बहुत ही बदरूप हो जाएगी, तो इसलिए लोग ज्यादातर इसके लिए नहीं जाना चाहते हैं। जिन लोगों में अवेयरनेस है वो भी इसके लिए नहीं जाना चाहते। लेकिन जो मैंने आपसे मेरा जो सवाल था कि इसे अवैध क्यों माना जाता है, किस केस में इसे अवैध माना जाता है, लीगल और इलीगल के बीच का ये क्या चक्कर है? नहीं, ये एब्सोल्युटली लीगल है, देयर इज नो इलीगलिटी अबाउट इट, और आजकल जो लॉज है लॉज के हिसाब से इट इज लीगल। ये बात अलग है कि अब्रॉड देयर आर सर्टेन कंट्रीज जिसमें ऑप्ट आउट कंसेंट होता है, ऑप्ट इन कंसेंट होता है। इंडिया में ऑप्ट इन कंसेंट का सिचुएशन, ऑप्ट इन कंसेंट यानी कि अगर आप स्किन डोनेट करना चाहो तो आपको साइन फॉर्म साइन करना पड़ता है, जब मरने के बाद आपके नेक्स्ट ऑफ किन, आपकी वाइफ या आपके बच्चों को साइन करना पड़ता है कि हम ऑर्गन स्किन डोनेट करना चाहते हैं। इन सर्टेन ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज ऑप्ट आउट का सिस्टम है, जहाँ के
जब आदमी पैदा होता है उस कंट्री में तो वहां पे योर बॉडी बिलोंग्स टू द स्टेट, और मरने के पश्चात ऑटोमेटिकली आपका ऑर्गन निकाल सकते हैं लीगली। अगर आप नई ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म साइन करना पड़ता है कि यस आई ऑप्ट आउट ऑफ दिस सिस्टम, मुझे ऑर्गन डोनेट नहीं करना है। अगर ऑप्ट आउट सिस्टम है तो प्रैक्टिकली एवरीबडी 80% लोगों का डोनेशन हो जाता है। इंडिया में ऑप्ट इन सिस्टम है, ऑप्ट इन सिस्टम में लोगों को जब भी मालूम ही नहीं है कि स्किन डोनेट की जा सकती है तो वो साइन नहीं करते हैं और फिर डोनेशन नहीं होती है। तो लोग हमसे पूछते हैं लोग स्किन डोनेट क्यों नहीं कर रहे हैं। लोग स्किन इंडिया में स्किन डोनेट इसलिए नहीं कर रहे कि वो डोनेट नहीं करना चाहते, वो इसलिए डोनेट नहीं करते हैं क्योंकि वो पता ही नहीं कि स्किन एक ऑर्गन है जिसको डोनेट किया जा सकता है। सर हमारे साथ एक मरीज के रिश्तेदार संतोष राठौर जी मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। संतोष जी क्या हुआ था आपके जो पेशेंट था उसके साथ क्या हुआ था? साल की है तो मंदिर में खेल रही थी तो भाई के 9 साल की लड़की, बड़े आदमी कोई नहीं थे, तो एक दिया था अपने मंदिर में तो उसको ड्रेस को लग गया था, तो घर भागते वक्त आते वो तो 43-45% जल गए थे। अच्छा तो फिर क्या कितना टाइम लगा उसको ठीक होने में? मैम वैसे तो पुणे में रहते हैं हम, पुणे में 1 महीना लगा, लेकिन वहाँ जो ग्राफ्टिंग लगना था तो वो ग्राफ्टिंग 1 महीने में नहीं लगा, तो हम सेकेंड ओपिनियन लेके इसके बारे में जो अभी नवी मुंबई में सर नेशनल बर्न सेंटर के बारे में पता चला हम उसको कि यही है अपना जो नेशनल बर्न फेमस है भारत में और एशिया में, तो हमको एक डॉक्टर ने सजेशन किया तो हम लड़की को लेके आ गए मैं जल्दी। तो यहाँ 3 सर्जरी हुआ उनका, तो बेटी अभी 2 महीने में क्लियर है, उसका ग्राफ्टिंग पूरा लग गया है। तो उधर हमें पुणे में बोल रहे थे कि बेटी बच नहीं सकती, लेकिन भगवान से इधर सर ने जो नया टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हमको पहले ही पता नहीं था। तो ऐसे जिसको पता नहीं तो उनकी बहुत जान जाती है अपने भारत देश में। संतोष जी ने भी जैसे बताया जो मेरा आपसे सवाल था कि 40-50% बर्न के बाद लोग समझते हैं कि मुश्किल है पेशेंट को बचाना, तो अभी तक लोगों में ये अवेयरनेस भी नहीं है, तो लकीली संतोष जी को जानकारी थी तो वो वहां तक पहुंच पाए। तो आपको नहीं लगता कि मास अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की जरूरत है? या ये बड़े पैमाने पे इसके अवेयरनेस होना चाहिए, बिकॉज अगर लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है कि कौन से सेंटर्स हैं जहाँ पे ये टाइप का मॉडर्न इलाज होता है तो वो वहां तक पहुंच नहीं पाते। दूसरा लोगों के पास वो पहुंचने की वो फाइनेंशियल कंडीशन भी होनी चाहिए कि वहां तक पहुंच पाए। तो ये हमारी गवर्नमेंट से ये विनंती है कि ऐसे जो अच्छे एडवांस सेंटर जैसे नेशनल बर्न सेंटर इंडिया में, ऐसे रीजनल 5 सेंटर्स होने चाहिए। एक नॉर्थ, ये वेस्ट में तो हमारा सेंटर हो गया बम्बई में, यू शुड हैव वन इन द नॉर्थ, वन इन द साउथ, वन इन ईस्ट एंड वन इन द सेंटर। रीजनल सेंटर्स होने चाहिए, उसके सैटेलाइट छोटे छोटे पैरेलल सेंटर सेकेंडरी सेंटर्स होने चाहिए जहाँ पे एडवांस ट्रीटमेंट होनी चाहिए और कई जाने बच सकती हैं। उसका अवेयरनेस भी होना चाहिए और ये सेंटर पहला सेंटर बनाने चाहिए, फिर सेंटर्स के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। बिल्कुल। तो संतोष जी स्किन ग्राफ्टिंग जो की गई तो क्या उसी के स्किन से लेके किया गया या डोनेशन लेना पड़ा, स्किन डोनेशन की जरूरत पड़ी? नहीं मैं उन्हीं से ही लिया, वो जगह थी उनकी तो उन्हीं से ही लिया मैम सर। अच्छा तो कितना खर्चा कितना आया होगा? नहीं इतना तो हमको अपना जो नेशनल बर्न हॉस्पिटल है ना मैम, तो ये अपना ट्रस्टी वगैरह बहुत है अपने जो डोनेशन ये बहुत बारे में, तो ये जो नॉर्मली होते हैं ना उसमें हो जाता है मैम। जिसे तो आप लोगों से क्या बताएंगे किस तरह से जिंदगी बदल गई स्किन ग्राफ्टिंग के बाद? मैम इससे मैं इतना बताना चाहता हूँ कि अपना भारत देश में तो एक ही ऐसा, मुझे सर्च करके दूसरे के बारे में मालूम पड़ा कि एक ही बर्न सेंटर है सिर्फ बर्न्स पे प्लास्टिक सर्जन ऐसा। तो भारत में सर ने जो बोला ना कि जो हर स्टेट में जोन में ऐसे नेशनल बर्न सेंटर होना चाहिए और स्पेशल यूनिवर्सिटी होना चाहिए नेशनल बर्न सेंटर पे ना, जो अपना देश में यूनिवर्सिटी होना चाहिए वहाँ डॉक्टर तैयार होना चाहिए बर्न्स पे वगैरह ऐसे, इसमें ज्यादातर डॉक्टर नहीं मिलते मैम और आते भी नहीं इसमें इस फील्ड में वगैरह। सर आपने सुना अभी संतोष जी की बात, ये कॉम्प्लेक्स और महंगी सर्जरी भी है, तो आपको क्या लगता है इससे
थोड़ा सस्ते में जनता तक पहुंचाने के लिए सरकार की तरफ से या वी एज अ सोसाइटी, सोसाइटी एज अ होल किस तरह के एफर्ट्स डालने की जरूरत है? नहीं, ये बताना जरूरी है कि जो कॉस्ट है उसके 80% ऑफ द कॉस्ट जो बर्न्स है, जो मेजर पट्टियां बदलनी पड़ती है जिसको कंज्यूमेबल्स कहते हैं, और जो एक्सपेंसिव एंटीबायोटिक्स एंड मेडिसिन है, जो पेन किलर्स है, जो इन्वेस्टिगेशन है, जो दिन में तीन तीन चार चार बार क्रिटिकल इल पेशेंट में करने पड़ते हैं, अगर वो मेडिसिन की कॉस्ट नीचे लाई जाए तो ही जाके ये सस्ता पड़ेगा, नहीं तो तीन तीन चार चार महीने लग जाते हैं ठीक होने में, और इतनी मेडिसिन का यूज करना, इतनी पट्टियां रोज रोज पट्टियां करनी पड़ती हैं, अनलेस दिस कॉस्ट कम्स डाउन, ये तो कॉमन मैन के बिल्कुल रीच के बियॉन्ड है, एब्सोल्युटली बियॉन्ड। तो गवर्नमेंट को एकदम, मैं आपसे यही कहना चाह रही थी कि कॉमन मैन के लिए तो ये सोच से भी बाहर की बात है, तो कैसे इसे आम जनता तक पहुंचाया जाए, आपके हिसाब से क्या सजेशन है आपका? नहीं, द कॉस्ट ऑफ द कंज्यूमेबल्स एंड मेडिसिन हैज टू बी ब्रॉट डाउन, बिकॉज लॉट ऑफ द जो मेजर एंटीबायोटिक्स है, जो पावरफुल एंटीबायोटिक्स है जो पेशेंट की जान बचा सकती है इन्फेक्शन को क्लियर करके, तो वो एंटीबायोटिक्स की कॉस्ट कम करनी चाहिए, पर अनलेस वो कॉस्ट कम नहीं होगी तब तक वो कॉमन मैन इसको नहीं रीच कर पाएगा और पेशेंट्स मरते रहेंगे। सर, एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोग डरते हैं डोनेट करने से, उनको लगता है कि डोनेट करने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं शरीर में, तो मैं चाहूंगी एक बार आप बताइए कि क्या किसी तरह की कोई दिक्कत आती है स्किन डोनेशन के बाद? नहीं, एब्सोल्युटली, ये मरने के पश्चात की जाती है, लिविंग डोनर से नहीं ली जाती स्किन, सो मरने के बाद तो कोई किसी प्रकार की डोनर नहीं है, पेशेंट क्या जीवित आदमी, जैसे एक आध केसेस में ये था कि किसी फादर ने अपने बेटे के लिए स्किन डोनेट किया था, या नहीं, अगर लिविंग डोनेशन वहां पे करना करनी पड़ती है जहां पे स्किन बैंक्स नहीं हो, अभी इंडिया में 27 स्किन बैंक्स है, उसमें से 15 स्किन बैंक्स में शुरू करने का हाथ नेशनल बर्न सेंटर और रोटरी का है, रोटरी ने हमारी बहुत बड़ी मदद की है, जहां पे भी स्किन बैंक सेटअप करनी है लगभग खर्चा 60 लाख का खर्चा है टू सेटअप अ स्किन बैंक, तो रोटरी ने हमारी मदद की है और वहां पे स्किन बैंक का फंडिंग रोटरी ने किया है, टेक्निकल नोहाउ और ट्रेनिंग ये पर्सनल की हम लोग ने की है, प्रोटोकॉल्स हमारे पास यूरो टिश्यू बैंक फ्रॉम नेदरलैंड्स के प्रोटोकॉल्स है, तो हमारे पास उनके साथ कोलैबोरेशन है और उनकी प्रोटोकॉल्स शेयर करके उनका ट्रेनिंग किया जाता है, सो इट इज फेयरली इजी टू सेटअप द स्किन बैंक एंड देयर आर टू बी मोर स्किन बैंक्स ऑल ओवर द कंट्री। ये नहीं है बैंक्स, अगर कोई करता है तो क्या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड इट इज वेरी इजी टू सेटअप द बैंक्स एंड द स्किन इज इजीली अवेलेबल, एंड ब्यूटी ऑफ स्किन इज कि स्किन में कोई मैचिंग भी नहीं करना पड़ता, दूसरे ऑर्गन्स लिवर लंग हार्ट में मैचिंग की जरूरत है, आप अक्सर सुनते हो कि डोनर तो मिल गया है लेकिन मैचिंग नहीं हो रहा है, स्किन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं, एनीबडी स्किन कैन बी पुट ऑन एनीबडी, किसी की भी स्किन निकाल के किसी को भी एक्सेप्ट हो जाती है, तो दैट इज अ वेरी इजी थिंग, बट उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, जब भी हमारी स्किन रेडी होती है उसका। आप कह रहे हैं बैंक्स बहुत है, लेकिन अभी भी आप देखिए 10 लाख, करीब 10 लाख केसेस आते हैं बर्न के, ये तो ऑफिशियल डेटा है, अनऑफिशियली भी आप जानते हैं कितने सारे तो केस रजिस्टर ही नहीं होते हैं, तो उसके हिसाब से अगर देखिए तो डिमांड सप्लाई का प्रॉब्लम नहीं है, सप्लाई का ग्रॉस डिस्पैरिटी है, बहुत बहुत बड़ा गैप है, जब भी हमारी स्किन रेडी होती है, एक स्किन रेडी होती है प्रोसेसिंग में 45 डेज के बाद, तब 10 लोग वेटिंग लिस्ट में होते हैं, हम एक ही को दे पाते हैं, तो देयर हैज टू बी अ 100% इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डोनेशंस, स्किन बैंक्स तो है बट डोनेशंस जितनी चाहिए उतनी हो नहीं रही है, उसके लिए मास अवेयरनेस करने की बहुत जरूरत है और गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग स्टेप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने चाहिए या मीडिया के थ्रू एक पब्लिसिटी ब्लिट्स करना चाहिए, ताकि हर कोने में, इंडिया के हर कोने में, छोटे छोटे कस्बे में, गांव में लोगों को पता चलना चाहिए, यस, मरने के बाद स्किन डोनेट करनी चाहिए, लोगों की जाने बच सकती है। संतोष जी, आप तो भुक्तभोगी हैं, तो मैं चाहूंगी चलते चलते आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की दिक्कतें आती हैं, लेकिन कितनी भी दिक्कतें आए उसके बाद किस तरह का बदलाव जिंदगी में आता है, मैं चाहूंगी आप अपना अनुभव शेयर करिए दर्शकों से। मैम, मुझे तो पता नहीं था ऐसे रहता है, तो मुझे ये पता था कि सभी को मालूम रहता है कि बीमारी जो समझो हार्ट की बीमारी, किडनी का बीमारी, ये सभी को पता रहता है, हॉस्पिटल भी पता रहता है क्या कौन सा डॉक्टर है क्या है, और बंस पे पहले ही मुझे मालूम नहीं था कि क्या है कैसा है, जो मैं वाकड़ जो अपना उधर एक हॉस्पिटल है बड़ा, तो मेरी बेटी उधर एडमिट किया था, तो खर्चा तो सिर्फ ड्रेसिंग ही चल रहा था उधर, तो खर्चा बहुत चला गया, लेकिन उन्होंने भी बताया नहीं कि ऐसे ऐसे हॉस्पिटल रहते हैं, ग्राफ्टिंग उधर होता है, उन्होंने कुछ नहीं बताया हमको, तो हम जान हमारा जो रिलेटिव है तो उनको पता तो
ये होना चाहिए, हर डॉक्टर को पता होना चाहिए, हर हॉस्पिटल को पता होना चाहिए कि बाबा ज्यादा जो जले हुए हैं, तो ये जो अपना नेशनल बर्न सेंटर है तो उनके पास फोन नंबर सब सब उनको सब हॉस्पिटल को रहना चाहिए। मैंने उनको बोलना चाहिए कि तुम्हारे इतना परसेंट जला हुआ है, ज्यादा इधर अच्छा नहीं होता, तुमको ग्राफ्टिंग की जरूरत है, आप उधर लेके जाओ, सर, तो तो दिक्कत नहीं आएगा। दो चीज़ें इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जो अभी हम लोग पूरी बातचीत के बाद समझ पाए हैं। एक तो अवेयरनेस की कमी है, मास अवेयरनेस प्रोग्राम की ज़रूरत है। दूसरा, कॉस्ट आपको बेहतर करना पड़ेगा आम लोगों के लिए, जिससे कि वो इस सुविधा को अवेल कर पाएँ। सर, आपके हिसाब से आप इतने लोगों को ट्रीट करते आए हैं, कितने लोगों की जिंदगियां बदली हैं अभी तक इस तकनीक के जरिए? और दूसरा, चलते चलते आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या कहेंगे आप दर्शकों से? नॉर्मली हमारे नेशनल बर्न सेंटर इज वन ऑफ अ काइंड, द ओनली डेडिकेटेड बर्न सेंटर कंट्री में। एक ही ऐसा सेंटर है जो हम लोग ने जो टाटा टाटा ट्रस्ट है उन्होंने अब हेल्प किया था जब सेटअप किया था, रोटरी ने बहुत मदद की टू सेटअप द वेरियस डिपार्टमेंट। तो इसकी बदौलत हमारे पास स्किन बैंक है, स्किन रीजनरेशन लैब है, एक आईसीयू है, स्टेप डाउन आईसीयू है, ये प्रकार की फैसिलिटीज और कहीं नहीं है, विच इज वेरी सैड। तो अगर पेशेंट कहीं दिल्ली में जल जाता है वो बम्बई कैसे आएगा? जो वेल टू डू पेशेंट्स है वो एयर एम्बुलेंस लेके आ जाते हैं, बट जो गरीब लोग हैं वो तो नहीं पहुंच पाते। तो हम ये चाहेंगे कि वन देयर शुड बी मेनी ऐसे बहुत सारे एटलीस्ट 5 मेन बर्न सेंटर्स नेशनल बर्न सेंटर टाइप के होने चाहिए। दूसरा, लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा बर्न सेंटर है, तो बर्न सेंटर बनाना प्लस उसका अवेयरनेस क्रिएट करना, और एटलीस्ट अनदर 25-30 स्किन बैंक की जरूरत है हर बिग टाउन, हर बिग सिटी में। और लोगों को ये भी अवेयरनेस होना चाहिए कि स्किन एक ऑर्गन है जो डोनेट किया कर सकते हैं। तो पार्टिंग स्टेटमेंट यही रहेगी, प्लीज डोनेट स्किन एंड सेव अ लाइफ। स्किन की डोनेट करिए और लोगों की जाने बचाइए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने इम्पॉर्टेंट विषय के बारे में इतने विस्तार से जानकारी देने के लिए, और साथ ही संतोष जी आपका कि आपने अपना अनुभव साझा किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।